शालीन और सुंबुल की लड़ाई के बाद अब शालीन ने निमृत के साथ शेयर किया है अपना दर्द। हालांकि शालीन से निमृत पूछती हुई नजर आई कि आखिरकार सुंबुल ने तुझे क्या बोला। इस पर शालीन ने सुंबुल को लेकर जो बातें कही हैं उसे सुनकर आप भी काफी ज्यादा दंग रह जाएंगे। क्या बोले हैं शालीन हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉमिनेशन टास्क में अब किया है शालीन ने सुंबुल को नॉमिनेट। इसके बाद जिस तरीके से इन दोनों के बीच में दरार देखने को मिली है उससे पूरा घर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है। और इसी बात को लेकर निमृत सुबह सुबह शालीन से डिस्कशन करती हुई नज़र आई, जिसमें वो उससे पूछती नजर आई कि आखिरकार ये बता कि तेरी सुंबुल से बात क्या हुई। जिस पर शालीन का कहना है कि मैंने उसको बोल दिया है कि ठीक है अगर तुझे मुझसे बात नहीं करनी मत कर, घर के बाहर जाकर देखेंगे, तेरा मन होगा तो बात करेंगे, मिलकर कॉफ़ी पी लेंगे, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तुझे मुझसे बात नहीं करनी तो मत कर। तो एक बात तो तय है कि अब शालीन निमृत को ये बोलते हुए नज़र आए कि ना सिर्फ सुंबुल की तरफ से बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से भी रिश्ता सुंबुल से तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात में कोई भी सच्चाई नहीं, क्योंकि सुंबुल ने सामने से शालीन को कहा है कि वो उनके साथ दोस्ती रखना नहीं चाहती। तो आपको क्या लगता है कि शालीन इस तरीके से झूठ बोलकर घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आखिरकार क्या है कहना आपका, कमेंट करके ज़रूर बताएं।